स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। नाइजीरिया में डकैतों ने कर लिया था कैद, हर रोज एक या दो मैगी खाकर गुजारा वक्त। 72 दिनों तक मर मर कर जिए कांगड़ा के तीन लाल अपने परिवार से मिल गए। लंबे इंतजार के बाद अपने बेटों को देख बुजुर्ग माँ बाप की आंखों से मानो समंदर बह गया। बहरहाल नाइजीरिया में कैद कांगड़ा के तीनों युवक रविवार सुबह अपने घर सकुशल लौट आए। नगरोटा बगवा की उस्तेहड़ पंचायत के पंकज कुमार, पालमपुर के अजय और नगरोटा सूर्या के ग्रुप कैप्टन सुशील धीमान अब अपने परिजनों संग खुश हैं। सुबह सवेरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक भी इन युवाओं का स्वागत करने के लिए पहुंचे। गौर रहे कि नगरोटा विधानसभा की उस्तेहड़ ग्राम पंचायत के पंकज कुमार की घर वापसी का पूरे गांववासियों के साथ साथ स्थानीय विधायक अरुण मेहरा ने रणचौक पर स्वागत किया। इस खास मौके पर पंकज की मां सुलोचना देवी और पिता वेद प्रकाश ने पिछले 4 महीनों से बिछड़े अपने लाडले के दीदार किए। पंकज कुमार ने बताया कि 72 दिन तक लुटेरों ने उन्हें एक टापू में रखा था और खाने के नाम पर मैगी के महज एक या दो पैकेट ही मिलते थे और उसी से गुजारा करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि वह दोबारा जाने का फिलहाल वहाँ सोच भी नहीं सकते। पंकज ने प्रदेश सरकार के साथ साथ सांसद शांता कुमार, विधायक अरुण मेहरा और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उधर सुशील कुमार भी रविवार सुबह नगरोटा सूर्या में अपने घर पहुंचे। लंबे समय बाद परिवार वालों से बातचीत की तो सुशील की आंखों से आंसू छलक आए। बता दें कि नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों के चंगुल से छूटने के बाद रविवार को कांगड़ा जिला के तीनों युवकों की आखिरकार घर वापसी हो ही गई। अपने अन्य दो साथियों के साथ अपने घर नगरोटा पहुंचे सुशील कुमार ने पूरे परिवार के साथ अपने दुख साझे किए। अपने बेटों को सही सलामत देख परिवार वालों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सुशील और उनके दोनों साथी आज रविवार को दिल्ली से हिमाचल अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद परिवार वालों में खुशी का माहौल है। पालमपुर से अजय की माता कमला ने बताया कि बच्चों के बंधक बनाए जाने की बात का पता लगते ही परिवार वालों ने कई रातें जाग जाग कर काटी हैं कि कब क्या फ़ोन आ जाए और क्या सुनेंगे। फ़ोन की घंटी बजने पर उनको डर लगने लगता था। इसी बीच अजय के पिता को ब्रेन हैमरेज भी हुआ, जिससे परिवार और मुश्किल में फंस गया था, लेकिन वो अब ठीक हैं। बहन आशा का कहना है कि अजय की रिहाई के लिए उन्होंने हर समय माँ चामुंडा के सामने पूजा अर्चना की। उन्हें मां चामुंडा पर पूरा विश्वास था, उनका भाई सकुशल देश लौटेगा। इसके लिए उन्होंने मां से मन्नत मांगी थी। इसे पूरा करने के लिए वह और भाई परिवार के साथ माता चामुंडा के मंदिर जाएंगे। हिंदी बोलना। अच्छा बोलना क्या? बोलना मतलब तो है ना। मेंटली डिस्टर्ब कितना? मतलब 75 दिनों के बाद मैं घर आया हूं। हां ना ठीक है, तो मैं भेज आया हूं। मतलब आफ्टर वो हां 75 वापस आया और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खुशी महसूस कर रहा हूँ। कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।